Osta baksan osta. Ya doyla kaptan nişe. Bu diye nasıl zara pra anamın savar. Çok manan hareket. Osta baksan osta bir diye oldu. Ne trage de ya. जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो उसका इस्तेमाल करना है और उसमें जो दुश्वारियाँ आती हैं वो तो सबसे बड़ी दुश्वारी है ट्रैफिक जाम की, क्योंकि हमारे कश्मीर में जो है रोड्स इतने डेवलप नहीं है और उतने वाइड रोड्स नहीं है कि उसमें जो पूरी गाड़ियाँ जो जितना ट्रैफिक लोड है अभी जो श्रीनगर सिटी की बात करें तो उसको जो है ये रोड्स सफिशेंट नहीं है उसको टैकल करने के लिए, तो उस वजह से जो जितनी सारी परेशानियाँ वो ट्रैफिक जाम को लेके होती हैं। खासकर जब मैं तो बारामूला से आता हूँ और मैं सोरा इंस्टीट्यूट में काम करता हूँ, तो उसमें मुझे जो जाम फेस करना पड़ता है वो है HMT वाला। ओके HMT जो जैनरपुट वाला जाम है वहाँ आधा घंटा निकल जाता है, फिर यहाँ आते आते आप कमरवारी में आइए तो कमरवारी में बहुत बहुत जाम पड़ता है, उसमें आधा घंटा कम से कम 2-2.5 घंटे से कम तो मैं यहाँ नहीं आ पाता हूँ। गाड़ियाँ तो ज़िम्मेदार हैं, ड्राइवर्स जो हमारे हैं उनको वो हर जगह पे खड़े हो जाते हैं वो सवारियों के लिए, कोई प्रॉपर बस स्टॉप्स नहीं है, वो एक परेशानी है। वहाँ पे आप लोग कहीं पे भी खड़े हो जाते हैं तो उस वजह से भी गाड़ियाँ रुक रुक के चलती हैं, कोई मतलब कोई ट्रैफिक रूल्स उतने फॉलो नहीं होते हैं, आप सिग्नल्स वगैरह काम नहीं कर रहे हैं। आप देखिए यहाँ पर कमरवारी में सिग्नल काम नहीं कर रही है, ऐसे ही पड़ी हुई है, तो उस वजह से भी जाम्स होते हैं। और फिर कोई इनका कोई मतलब शेड्यूल तो है ही नहीं गाड़ियों का, जहाँ पे भी खड़े हो जाओ और सवारी को बिठाओ सवारी को छोड़ो, तो वो सब प्रॉब्लम्स हैं। वो भी एक प्रॉब्लम है कि उससे ट्रैफिक जाम से सबसे बड़ा मसला जो है वो रोड्स, अगर आपके पास अच्छे रोड्स हैं तो ट्रैफिक जाम्स तो होंगे नहीं। और दूसरी प्रॉब्लम है ट्रैफिक रूल्स, आप अगर फॉलो करते हो, अगर गाड़ियाँ ट्रैफिक रूल्स फॉलो करते हैं, आप स्टॉप बस स्टॉप है वहाँ पे रुकती हैं, जहाँ पे नहीं है स्टॉप वहाँ क्यों रुकना है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो स्किम्स सोरा इंस्टीट्यूट जाने वाले जितने भी मुसाफिर हैं अक्सर उनमें पेशेंट्स होते हैं, मुलाजिम तो चलिए उनके लिए तो इंस्टीट्यूट की गाड़ियाँ भी हैं, वो उनको ऑप्ट कर सकते हैं, उन बसेस में जा सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो अभी इंस्टीट्यूट वाली रूट पे जो है वो है छोटी गाड़ियों का ना होना। आपके पास सोमो सर्विसेज है ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं है, धक्के मारते हुए धक्के खाते हुए बेचारा पेशेंट वहाँ पहुँच जाता है, उसका टाइम निकल जाता है और एक एक महीने बाद तो यहाँ नंबर लगता है हॉस्पिटल में, तो पेशेंट को वहाँ 10 बजे पहुँचना रहता है, वो पहुँचता है 12:30 बजे, फिर उसका नंबर आता है 4:30 बजे डॉक्टर से मिलने के लिए, तो ये तो एक मुसीबत है बहुत बड़ी। जो मिनी बसेस वाले हैं इनने कुछ केस वेस किया है कि हम यहाँ सोमो सर्विस नहीं होने देंगे, यहाँ पे हर गली नुक्कड़ में सोमो चलते हैं, लेकिन ये वाहिद रोड है मुझे लगता है श्रीनगर का वाहिद रूट है स्किम्स जाने वाला जहाँ सोमो सर्विस है ही नहीं। क्या आप सबको पता है कि कश्मीर के जो रोड्स की हालात है वो बहुत ख़राब है। यहाँ जो जब हम सुबह निकलते हैं यूनिवर्सिटी के लिए या दूसरे लोग जो निकलते हैं ऑफिस के लिए या किसी और काम के लिए, उनका ज़्यादातर वक्त जो है वो सड़कों पे गुजर जाता है, ट्रैफिक जैम्स में गुजर जाता है। वजह यही है कि यहाँ के रोड्स प्रॉपरली मेंटेन नहीं किए, यहाँ ट्रैफिक रूल्स को फॉलो नहीं किया जाता है, यहाँ में बहुत सारी चीज़ों का ना सामना करना पड़ता है ट्रैफिक जैम की वजह से। हम यूनिवर्सिटी टाइम पर नहीं पहुँच जाते हैं जिसकी वजह से हमारे क्लासेस मिस हो जाते हैं, हमारे अटेंडेंस शॉर्टेज में आ जाती है, या अगर किसी को हॉस्पिटल पहुंचना होता है वो वक्त पे हॉस्पिटल नहीं पहुंच जाता है, जिसकी वजह से जो पेशेंट्स होते हैं वो सफ़र कर रहे हैं और दूसरे जो लोग हैं जो दफातर में काम कर रहे हैं उनको भी यही ऐसे ऐसे मुश्किल का सामना करना पड़ता है। श्रीनगर की सड़कों पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट हमेशा से एक अहम ट्रांसपोर्ट रहा है। आपने देखा किस तरह से यही पब्लिक ट्रांसपोर्ट ट्रैफिक जैम, वुमेन रिजर्वेशन का न होना और ड्राइवर्स की खुद गर्मी की वजह से लोगों की परेशानियों का सबब है। मैं अपने नाज़रीन से अपील करती हूँ कि वो
IG ट्रैफिक प्लीज SJP सिंह 0194-2566-608 या 0194-2455-034 को कॉल करें और अपने मुश्किलात को दूर करने के लिए दबाव डालें। मैं नादिया शफी, श्रीनगर से, वीडियो वॉलंटियर्स।